जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल इंस्टाग्राम द्रव्य विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के ऊपर। देखा जाए तो आज इस कंपनी का यहाँ पे लिस्टिंग डेट यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा था। एंड अगर इसकी लिस्टिंग की बातें करें तो यहाँ पे 4-5% की जो IPO प्राइस थी उससे अधिक पे यहाँ पे लिस्ट होते हुए हमको यहाँ पे देखने को मिली। एंड जैसा मैंने बोला था वैसा ही इस कंपनी में यहाँ पे होते हुए आपको देखने को मिल जा रहा है। एंड आपको हम बता दें कि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे इस कंपनी को लेकर के कई तरह के सवाल यहाँ पे उनके मन में चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल ये है कि कल क्या करना चाहिए, इसमें हमको बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल तो ये नॉर्मली सबको मन में चलते हुए देखने को मिल जा रहा है। दूसरा सवाल ये होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को यहाँ पे देख रहे होंगे, तो उनको भी इस सवाल का जवाब हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। एंड आपको उसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा खतरा इस कंपनी के ऊपर जो है उसको भी यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंपनी के ऊपर। सो अभी हम यहाँ पर सीधा अपनी कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के ऊपर आ गए हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इसकी जो लिस्टिंग हुई है दोस्तों, अगर यहाँ पे ओपनिंग की बातें करें तो देखिए 750 यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। मतलब जब ये लिस्ट हुई थी तो 750 पे लिस्ट हुई थी। यहाँ पे इस लेवल की अगर हम बातें करें तो ये वही लेवल यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। हाई की बातें करें तो यहाँ पर आप देखिए, पहले एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, चार्ट से ही समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर हाई की बातें करें तो यह कंपनी 799 तक यहाँ पे हमको जाते हुए देखने को मिली। लिस्ट हुई थी तो 750 पे हमको यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, अब हम बातें करते हैं तो IPO प्राइस की। तो IPO प्राइस कितना था दोस्तों, 720 रुपये हमको यहाँ पे देखने को मिला। सो यहाँ से अगर इसकी तुलना करेंगे तो कितना आपको देखने को मिल जा रहा है, करीब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 4-5% तक ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे हमको देखने को मिली। ओवरऑल हम देखें कि करीब 10% आप बोल सकते हो कि यहाँ से आपको ऊपर जाते हुए तक देखने को मिली, 10-12% तक यहाँ पे आप बोल सकते हो, मतलब एक बाइंग भी यहाँ पे हमको देखने को मिली है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करीब 6-6.5% की गिरावट भी आपको यहाँ पे देखने को मिली। मतलब इस कंपनी में एक जब लिस्ट हुई, जहाँ पे लिस्ट हुई वो अलग की मैटर है, उसके बाद बाइंग देखने को मिली, उसके बाद सेलिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली। सेलिंग इस वजह से देखने को मिली क्योंकि मार्केट में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हमको यहाँ पे देखने को मिला था, इस वजह से यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। एंड अगर आपने यहाँ पे हमारे वीडियो प्रॉपर फॉलो किए होंगे, मेरे चैनल को यहाँ पे अगर फॉलो किए होंगे तो आपको पहले ही मालूम चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं कि इसका जो IPO का GMP था दोस्तों, वहाँ पे आपने देखा कि लगातार यहाँ पे आपको इनके GMP में एक गिरावट देखने को मिल रही थी, जबकि मार्केट को देखा जाए तो मार्केट हमको ठीक ठाक ही देखने को मिल जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बातें करें, पिछले 2 दिनों में हमको मार्केट आपने देखा कुछ अजीब टाइप का देखने को मिला। मतलब मार्केट तो ऊपर जा रहा था लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो वो आपको रेड निशान में देखने को मिल जा रहे थे, तो उसी वजह से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो और भी ज्यादा यहाँ पे हमको गिरते हुए देखने को मिला। एंड एग्जैक्टली 4-5% तक ही यहाँ पे लिस्ट होते हुए हमको यह कंपनी देखने को मिल गई है, जिसकी उम्मीद हम लोगों ने नहीं की थी। हम लोगों की जो उम्मीद थी वो थोड़ा सा अधिक पे था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट है। तो अभी हम आते हैं कि इस जो आपके सवाल है उसके ऊपर, यहाँ पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 19, 20, 21 तीन साल का डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। एंड सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस यहाँ पे आपको ये कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ कंपनी के नाम में ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि यह एक हेल्थ सेक्टर में आने वाली कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। सो बिजनेस तो यहाँ पे क्लियर हो गया है। एंड बिजनेस की बात करें, जब से यहाँ पे कोविड आया दोस्तों, तो जितने भी हेल्थ केयर वाले कंपनियाँ थे वो यहाँ पे धूम मचाते हुए यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही। तो देखा जाए तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं कि 19 में जो इनका प्रॉफिट था 1955 मिलियंस था, 20 में 3130 मिलियंस, एंड 21 में देखिए 3515। मतलब इनका जो प्रॉफिट वो लगातार यहाँ पे हमको ग्रोइंग मोड में देखने को मिल जा रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे तो फंडामेंटल स्ट्रांग यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। इसको देखने के बाद यहाँ पे हम मतलब देखिए, सबसे पहले एक चीज आप जानिए कि कंपनी के बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे, तो जितने डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे उस बेसिस पे कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग हमको देखने को मिल जा रही है। एंड कोविड की वजह से जो इनके 3-5 साल रहेंगे वो आप सुनहरे आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी हेल्थ सेक्टर की कंपनियां हैं वो सभी के सभी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हुए देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अभी इतनी जल्दी मत सोचे, क्यों ना सोचे, क्योंकि यहाँ पे एक जो बड़ा खतरा यहाँ पे मैं बताने वाला था, तो अभी हम उसी पर चलने वाले हैं।
सो अभी हम यहाँ पर सीधा उस खतरे के ऊपर आ गए। जो लोग मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं उनको तो पहले ही मालूम होगा कि खतरा क्या है, तो जो लोग नए होंगे उनको अभी फिर मालूम हो जाएगा कि सबसे पहले देखिए जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के प्रमोटर से उनकी होल्डिंग आईपीओ लाने से पहले कितनी थी 100%, ठीक है। अभी लिस्ट होने के बाद उनकी जो होल्डिंग रहेगी वो 82.84% यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है, मतलब ओएफएस का खतरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। सेबी का जो रूल है जिसमें प्रमोटर्स की अगर हम बातें करें तो 75% तक की अपनी होल्डिंग मैक्सिमम यहाँ पे रख सकते हैं, एंड यहाँ पे इसकी होल्डिंग देखें तो 82% की आपको देखने को मिल जा रही है, मतलब 3 साल के अंदर ये कंपनी कभी भी यहाँ पे ओएफएस लेकर के आ सकती है। लेकिन हाँ, 3 साल के अंदर की अगर यहाँ पर हम बातें करें, 3 साल में कभी भी ला सकती है, कल भी ला सकती है, 1 साल बाद भी ला सकती है, 2 साल बाद भी ला सकती है, 2.5 साल बाद भी ला सकती है, मतलब उसको ओएफएस लेकर के आना है, ये एक चीज फिक्स है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रहे हैं तो ये ओएफएस का जो खतरा है उसको देख करके ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म का यहाँ पे डिसीजन आप ले सकते हैं। देन वहीं पे अपने हम लास्ट सवाल पे आ जा रहे हैं कि कल इस कंपनी में क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम मार्केट को देखना पड़ेगा। जी हाँ, अगर मार्केट में कल भी यहाँ पे अगर आपको प्रेशर देखने को मिला तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में आपको थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी की भी कही गई बात तो गलत हो सकती है, ये बात आप ध्यान दिमाग में बैठा के रख लें, क्योंकि मार्केट सबसे ऊपर होता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो एक्सपेक्टेशन करते हैं उसका उल्टा भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि मेरा आज का जो मैं आपको बता रहा हूँ तो शायद से उल्टा हो सकता है कि यहाँ पे अगर गिरावट हो तो आपको इसमें थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली, लेकिन हो सकता हो कि यहाँ पे उल्टा देखने को मिले, क्योंकि कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे मुझे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिले दोस्तों। इस वजह से इसका जो थोड़ा सा इम्पैक्ट है ना वो बाइंग की ओर सबको आकर्षित करते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे शायद से जो मेरा मतलब वो क्लियरली जो व्यू है, जो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, चाहे यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिले, चाहे मार्केट अच्छा देखने को मिले। हाँ, मार्केट आपको अगर अच्छा हरे निशान में देखने को मिला तो हम कह सकते हैं कि जो बाइंग है वो अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो थोड़ा लो पे होते हुए देखने को मिला है, तो उस वजह से इस कंपनी में थोड़ा बाइंग जो है वो अच्छी खासी भी यहाँ पे आपको कल के दिन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो आराम से हम ये कहेंगे कि कम से कम आपको अगर इस कंपनी के साथ थोड़ा सा रिस्क लेकर चल सकते हैं तो 1 साल तक इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न दे देगी, एंड वहाँ पे जो कल वाला फैसला है वो भी आपके पक्ष में भी आते हुए देखने को मिलेगा। तो कल यहाँ पे इस कंपनी में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा मुझको यहाँ पे लगता है। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि पैसा आपका, मर्जी आपकी दोस्तों। सो इस कंपनी से रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो सभी सवालों को जवाब मैंने आपको दे दिया। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।